हेलो गाइस, वेलकम टू जे जे ऑटोमोबाइल ब्लॉग्स और मैं हूँ जितेश। सो गाइस, जो आज की वीडियो रहने वाली है वो रहने वाली है भाई स्विफ्ट टाइप 3 से रिलेटेड। भाई स्विफ्ट एक ऐसी गाड़ी है जिसकी बहुत सारी मॉडिफिकेशन है, बहुत सारी एसेसरीज आप लोग कह सकते हो मार्केट के अंदर अवेलेबल है। तो भाई उसी सेगमेंट के ऊपर आज की नई वीडियो रहने वाली है। भाई स्विफ्ट के एक फ्रंट हेडलाइट मतलब आफ्टर मार्केट हेडलाइट न्यू मार्केट के अंदर आ चुकी है। तो भाई आज की वीडियो के अंदर बेसिकली आपको पूरी मतलब जितनी भी आफ्टर मार्केट लाइट्स आती है स्विफ्ट के लिए, इंक्लूडिंग भाई जो न्यू आफ्टर मार्केट हेडलाइट आई है वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। साथ ही भाई जितनी भी लाइट्स आपके पास ऑप्शन अवेलेबल मिलता है मार्केट में, हेडलाइट हो या बैकलाइट, सब कोशिश करूंगा वीडियो में कवर करें। तो करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दबाइए सब्सक्राइब बटन को और साथ में इस बेल आइकन को भी, ताकि आपको मेरी नोटिफिकेशन। सो गाइस, स्विफ्ट के जितनी भी हेडलैम्प्स आती है टोटल अपनी और साथ में अपने जो न्यू डिजाइन है वो मैंने सारी निकलवा के रख दिया। तो मनीष भी, अगर टोटल बात करें तो अपने पास कितने ऑप्शंस अवेलेबल है स्विफ्ट के हेडलैम्प्स के लिए? 3 तो इसकी आफ्टर मार्केट हेडलैम्प्स आती है, एक चाइना, एक अपना ताइवान में जो ओल्ड डिजाइन आता था वो, एक जो अभी हम लगा रहे हैं न्यू डिजाइन वो स्विफ्ट। सो गाइस, सबसे पहले मैं आप लोगों को ओल्ड डिजाइन दिखा देता हूँ जो ताइवान मेड आता था। तो इसमें क्या है, अभी आपके DRL ये होती है और जो इंडिकेटर वो अपने यहाँ पे होता है, तो इंडिकेटर भी अपना मैट्रिक्स होता है और प्लस भी इसमें हाई और लो बीम एक ही में होता है। तो गाइस अपना जो प्रोजेक्टर है वो ही और हाई और लो बीम आपका करता है सोलेनोइड की मदद से। तो ये लुक देख लो, ये काफी बढ़िया है। तो ये भी अपने मेड इन ताइवान है, प्लस भी ये जो अब न्यू डिजाइन आया है उसके क्या खासियत है पहले ये बताओ। उसमें एक तो डुअल बीम है, प्रोजेक्टर भी है, उसके साथ में हाई बीम भी है, डबल DRL है, मैट्रिक्स इंडिकेटर, मतलब बिल्कुल ही नई चीज आई है। तो भाई जिन भाइयों को थोड़ा लाइट का इशू रहता है कि हमें रोड पे बहुत अच्छा उतरो चाहिए, तो आप लोगों के लिए बेस्ट ऑप्शन है ये अपना न्यू डिजाइन आया है। तो इसके अंदर आप देखोगे तो भाई एक सिंगल DRL अपनी येरी, सेकंड DRL येरी, तो 2 DRL है, प्लस जो आपका इंडिकेटर है वो अपना यहाँ पे मैट्रिक्स में, और जो भाई इसमें डुअल बीम है अपना लो बीम और हाई बीम अलग अलग है। तो भैया रोशनी तो बहुत बढ़िया हो ही जाएगी इससे। तो भैया इसमें हम दोनों में HID LED कुछ भी अपग्रेड कर सकते हैं, HID ही लगाते हैं ज्यादा, वही बढ़िया रहती है, वही बढ़िया रहती है। सो गाइस आप लोग देख लो, ये अपने पास सेकंड ऑप्शन अवेलेबल है। तो ये दोनों तो भाई हो गए अपने आफ्टर मार्केट और ये बिल्कुल ब्रांड न्यू आया है, तो आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ। प्लस भाई अभी ये वाला डिजाइन पूरा आपको गाड़ी में इंस्टॉल करके भी दिखाऊंगा इसका आउटपुट वगैरह कैसा आ रहा है। अगर मैं थर्ड ऑप्शन की बात करें तो वो ऑप्शन कौन सा अवेलेबल है? टॉप मॉडल वाली, टॉप मॉडल वाला जो बहुत टाइम से चल रही है। सो गाइस तीसरे ऑप्शन की बात करें तो ये जो ये हेडलाइट है ZXI प्लस में आती है, टॉप मॉडल की हेडलाइट है, आप चाहो तो ये अपनी गाड़ी के अंदर भी इंस्टॉल करवा सकते हो। तो ये लाइट्स भी बिल्कुल अपनी यूज होती है और इन्हें कस्टमाइज भी कर सकते हैं। सर ग्लास चेंज करके लगाते हैं हम लोग ज्यादा, क्योंकि न्यू गाड़ी होती है फिर लुक थोड़ी खराब आती है बफिंग करने के, मतलब कह सकते हैं कि जो पुरानी गाड़ी की हमारी जो स्टॉक है उसकी हम लाइट मतलब शीशा उतार के हम इसमें लगवा सकते हैं। तो भाई ये देख लो, ये बिल्कुल यूज्ड हेडलाइट्स आती है, ये दोनों आपको बिल्कुल ब्रांड न्यू मिलेगी और ये यूज्ड वाली आती है। तो कंडीशन इसकी भी काफी ओके होती है, इसके अंदर आपका इनबिल्ट LED होती है, काफी बढ़िया होती है, सब जेन्युइन ही होते हैं। तो ये देखो भाई नक्के बिल्कुल जेन्युइन है, जैसे आपको आफ्टर मार्केट लाइट में मिलेगी। प्लस भाई बस एक इसका ये ड्रॉबैक ही होता है कि आपको शीशा चेंज करवाना होता है, बाकी और कोई प्रॉब्लम नहीं होती। आप चाहो तो इस ऑप्शन में भी जा सकते हो। और भैया जो लास्ट ऑप्शन अवेलेबल है जो हर बंदे के पास नहीं मिलता वो क्या है, वो भी बताओ। हम आपकी ओरिजिनल हेडलाइट में ही हम प्रोजेक्टर भी लगा देंगे, DRL भी लगा देंगे और इन सबसे फोकस सबसे ज्यादा उसी का, मतलब सबसे अच्छी रोशनी जो आएगी उसी में आएगी। तो भाई वो भी आप लोगों में दिखा देता हूँ, मनीष भैया ने कस्टमाइज करके रख रखी है। तो भैया इसे इसके बारे में थोड़ा सा समझा दो, ये अपना लो भी मैं अच्छा DRL, ये इंडिकेटर मैट्रिक्स, मैट्रिक्स में प्लस प्रोजेक्टर साथ में। गाइस ये देख लो, अगर आप लोगों को भाई इसकी कंप्लीट वीडियो चाहिए तो बता देना, हम भैया के साथ मिलके कंप्लीट वीडियो ले आएंगे। बट ये पूरी रेडी कर रखी है भैया ने, काफी अच्छी लगती है ये, इसकी DRL हो गई, ये इसका इंडिकेटर और जो प्रोजेक्टर है वो लोअर हाई बीम में काम करेगा। प्लस भाई जो अपनी लाइट है उसे ब्लैकआउट करा हुआ है, क्योंकि जो आफ्टर मार्केट लाइट्स आती है वो सारी ब्लैकआउट है, और दूर से लुक देखोगे तो भाई ऐसा लगेगा कि वो भी हमारी कुछ आफ्टर मार्केट है, कोई हमने कस्टमाइज नहीं कर रखी। तो काफी बढ़िया रोशनी है। तो भैया प्रोजेक्टर वगैरह और HID वगैरह कौन सी यूज करते हैं हम इसमें? हम लोग क्रिस्टल आई की HID लगाते हैं, ऑटो की का प्रोजेक्टर, ऑटो की प्रोजेक्टर लगाते हैं, D2 HD प्रो। तो भाई ये पूरा आप सेटअप देख लो। तो ये तो बात होगी पूरी हेडलाइट्स वगैरह के, कौन कौन से ऑप्शन अवेलेबल है, क्या क्या आप करवा सकते हो, चारों डिजाइन भैया के पास अवेलेबल मिल जाएंगे। अगर आप चाहो कि भाई अपनी जो स्टॉक लाइट्स है उन्हें और अच्छी तरीके से कस्टमाइज कराना है तो वो भी ऑप्शन अवेलेबल है। अगर आप चाहो तो शाउट्स वगैरह सब कुछ लगवा सकते हो, किसी को डेवल आई टाइप बना रही हो तो वो भी बन जाएगी। तो भाई हेडलाइट्स की मैंने आप लोगों को पूरा रिस्पांस बता दिया, एक बार आप लोगों को टेल लाइट्स भी दिखा देता हूँ कि स्विफ्ट के लिए कौन कौन से टेल लैंप्स अवेलेबल है, फिर फटाफट गाड़ी में चलेंगे और इंस्टॉल करके आपको ये वाली हेडलाइट का पूरा रिस्पांस मैं दिखा दूँ। सो गाइस आप लोगों को पूरी मैंने हेडलाइट तो दिखा दिया, कौन कौन से ऑप्शन अवेलेबल है, तो आप लोगों को भाई पूरे टेल लाइट भी दिखा देते हैं। तो मनीष भाई टोटल अपने पास कितने ऑप्शन अवेलेबल होते हैं? ये भैया ये एक मर्सिडीज वाला डिजाइन, ओल्ड मर्सिडीज वाला। सो गाइस ये मतलब सबसे लेटेस्ट आया था डिजाइन में, आप देख सकते हो मर्सिडीज डिजाइन में, इसमें 2 कलर अवेलेबल है आपके, स्मोक और रेड कलर। तो ये काफी बढ़िया लग रहा है और ये भी काफी मार्केट में इन है आजकल। तो भाई ये आप देख लो काफी अच्छा लग रहा है, और मतलब ये पोलो में भी सेम डिजाइन आता है और आपका भैया क्रूज में भी आता है सेम, ये क्रूज में भी सेम आता है। सो गाइस ये देख लो, और नेक्स्ट डिजाइन की बात करें तो भैया ये भी अपना मर्सिडीज डिजाइन है,
तो भाई ये भी आप लोग देख लो। और सबसे ज्यादा भाई इन यही है, इसके अंदर एक कलर भी आता है, जैसे कि ये पूरा अपना स्मोक कलर क्लियर है, ऐसे इसके अंदर एक रेड भी आता है जैसे ये वाली शेड है, तो ये भी काफी अच्छा लगता है। और जो लास्ट डिजाइन है वो आपका है मिनी कूपर डिजाइन, तो आपके इस दो अपने मर्सिडीज डिजाइन और एक मिनी कूपर डिजाइन आता है। तो इसके अलावा भैया कोई और भी आता है? अगर इन चारों डिजाइन में से बात करें तो सबसे ज्यादा रनिंग और सबसे मतलब अच्छी क्वालिटी वाला कौन सा है? तो गाइस सबसे पहले जो डिजाइन लॉन्च हुआ था अपना यही लॉन्च हुआ था, और सबसे अच्छा डिजाइन और क्वालिटी वाइज ये है। ये अपनी मतलब वीलैंड कंपनी की है, काफी आफ्टर मार्केट लाइट्स बनाती है, काफी अच्छा है रिस्पांस है। तो आपको भाई मैंने ये आउटपुट भी दिखा दिया, मतलब पूरी सेटिंग दिखा दी कि कौन कौन से हमारी लाइट्स आती है। एक बार फटाफट आप गाड़ी में भी चलते हैं, और जो हमारी न्यू फ्रंट हेडलाइट्स आई है उसका पूरा आउटपुट वगैरह और इंस्टॉलेशन वगैरह आपको पूरी ये दिखाता हूँ। सो गाइस जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा था कि पूरी इसकी लुक है वो भी आप लोगों को दिखा दूंगा गाड़ी में इंस्टॉल करने के बाद, क्योंकि भाई ये बिल्कुल अपना न्यू डिजाइन आया है। तो भी अपने मेड इन ताइवान वाला ही है, मेड इन ताइवान। सो गाइस आप पहले इसकी रॉ लुक देख लो, कुछ ऐसे लुक आ रही है। जो नॉर्मल आपकी DRL आती थी वो बिल्कुल मतलब ऐसा लग, जो आफ्टर मार्केट लाइट आती थी वो बिल्कुल ऐसा लगता था कि भाई आपका टॉप मॉडल वाली डलवाई है, बट ये लाइट थोड़ी सी डिफरेंट है, काफी डिफरेंट है ये। और आप लोग देखोगे इसके जो अपना बेनिफिट है कि ये ऑलरेडी ब्लैकआउट आ रही है, तो ब्लैकआउट काफी अच्छी लगती है और बहुत ज्यादा स्पोर्टी लगती है। तो आप लोगों को मैं DRL ऑन करके दिखा देता हूँ सबसे पहले। तो आप लोग देखो भाई DRL प्लस फॉग लैम्प ऑन हो गया, और दूर से अगर पूरी लुक दिखाऊं तो देखो बहुत डिफरेंट लाइट है। आप लोगों ने पहले स्विफ्ट में नहीं दी होगी, नॉर्मल जो आती थी भाई वो अपनी यहाँ पे DRL आती थी और यहाँ पे इंडिकेटर आता था, बट इसके अंदर अपने डबल DRL हो गई, एक अपनी सी शेप में और ये अपनी रिवर्स सेल बन रहा है। तो पूरी लुक दिखा देता हूँ सामने से, और इस साइड से भी दिखा देता हूँ। और जो सबसे प्लस पॉइंट है इसका कि भाई इसमें लो और हाई बीम आपका अलग अलग है, मतलब रोशनी आपकी डबल हो गई एक तरीके से, प्रोजेक्टर आपका लो बीम और ये आपका हाई बीम। तो भी एक बार इसका इंडिकेटर ऑन करके दिखा दो। सो गाइस इंडिकेटर आप लोग देख सकते हो मैट्रिक्स में है, और देखो यहाँ से अपना पूरी इंडिकेटर ऑन हो गया। और आप लोगों को इंडिकेटर और DRL मतलब कैसे कैसे लुक आती है, तो आप देख सकते हो ये हमारा इंडिकेटर ऑन है और ये वाली अपनी DRL, और दोनों जब इंडिकेटर ऑन हो गए कुछ इसकी ऐसे लुक आ रही है, तो काफ़ी बढ़िया लग रही है और बिल्कुल डिफरेंट है। और भी एक बार इसकी लाइट्स भी ऑन करके दिखा दो। तो भाई ये सिर्फ अपनी लो बीम ऑन हुई है, और रिस्पांस वाइज आप लोग देख सकते हो यहाँ पे आप लोगों को दिखा देता हूँ रोशनी, अपनी लो बीम ही ऑन है सिर्फ ये। और भी एक बार हाई बीम भी ऑन करके दिखा दो, तो हाई बीम भी आप देख लो। तो लो और हाई बीम भाई बिल्कुल डिफरेंट है इसके अंदर, और ये देखो रिस्पांस लो और हाई बीम बहुत बढ़िया आ रही है। सामने से आप लोगों को पूरी लुक दिखा देता हूँ। एक बार इंडिकेटर बंद कर दो, तो गाइस सिर्फ अपने DRL की लुक देखना, और साथ में जो अपना लोअर हाई बीम है ये देखो ये वाला बंद हो गया, और ये देखो। तो भाई यहाँ से आप देख लो, और दोनों जो अपने DRL और पूरे लाइट का जो रिस्पांस है वो कुछ ऐसा आ रहा है, काफी बढ़िया लग रही है। और भाई बिल्कुल डिफरेंट है मार्केट के अंदर लाइट आई है स्विफ्ट की, क्योंकि स्विफ्ट में बहुत 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 सारी मॉडिफिकेशन होती है, और अगर लाइट का रिस्पॉन्स आप लोगों को देखना हो तो कुछ ऐसा रिस्पॉन्स आ रहा है। तो भैया लाइट्स के साथ साथ में ये तो दिखा दी, तो इसमें और कुछ भी हम गाड़ी में अपग्रेड कर रहे हैं? मैं हेडलैम्प, टेल लैम्प, इंटीरियर, म्यूजिक सिस्टम सारा, मतलब सब कुछ अपग्रेड हो रहा है। तो गाइस वो भी मैं आप लोगों को एक रफ आइडिया दिखा देता हूँ गाड़ी के अंदर क्या क्या अपग्रेड हो रहा है। तो सबसे पहले आप लोगों को टेल लैम्प दिखा देता हूँ इसके अंदर, तो आप देख लो। तो भी अपने किस डिजाइन की टेल लैम्प से हम क्या बोलते हैं? मर्सिडीज डिजाइन। तो गाइस आप लोग देख लो, और ये भी गाइस इसका इंडिकेटर वगैरह भी मैट्रिक्स में है, वो सब मैं आपको ऑन करके दिखा देता हूँ। अभी सिर्फ हमारा जो पार्किंग लाइट है ऑन हुई है, और ये देखो इंडिकेटर मैट्रिक्स में, तो काफी बढ़िया लगता है। और मर्सिडीज जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था भाई, बहुत सारे डिजाइन आते हैं स्विफ्ट के लिए, तो अभी फिलहाल इस गाड़ी के अंदर ये अपना इंस्टॉल हुआ है। तो मेन जो भाई मोटिव था वो आप लोगों को लाइट्स दिखाना था, बट जो भी इसके अंदर छोटे मोटे और मोड्स हो रहे हैं वो सब आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। बाहर से मैंने आप लोगों को मेन मेन आइटम दिखा दिया, एक बार गाड़ी के इंटीरियर में भी चलते हैं, वो भी आप लोगों को शेयर करता हूँ। सो गाइस गाड़ी के अब इंटीरियर में आ चुके हैं, तो सबसे पहले आप देखोगे यहाँ पे अपनी प्रॉपर वेलकम लाइट इंस्टॉल हुआ है जिसमें स्विफ्ट लिखा हुआ है। तो ये भाई हर गाड़ी के लिए अवेलेबल होती है, और काफी अच्छी लगती है। प्लस भाई जो गाड़ी का मेन अट्रैक्शन है वो इसका पूरा इंटीरियर भी रेडी हुआ है। तो भाई मेन तो आप लोगों के साथ हेडलाइट इंस्टॉल कर मतलब दिखाने थे, पूरा रिस्पांस नया वाला, बट भाई यहाँ पे देखो सीट कवर भी इतने प्रीमियम लग रहे हैं, इंटीरियर इतना प्रीमियम लगा है, मैंने सोचा आप लोगों के साथ ये भी शेयर कर दूँ। तो सीट भाई जो स्टेयरिंग कवर है वो सबसे फेवरेट मुझे अच्छा लगा, क्योंकि आप देखो यहाँ पे रेड और ब्लैक कलर में प्रॉपर स्टेयरिंग अपना ये बना है अपना डुअल कलर में। तो जैसे गाड़ी का इंटीरियर जो डुअल कलर में ही रेडी हुआ है, साथ में स्टेयरिंग भी उस हिसाब से रेडी हुआ है, तो यहाँ बिल्कुल एक डिफरेंट आप लोगों को स्टेयरिंग देखने को मिला होगा भाई, पहले आप लोगों ने ऐसा नहीं देखा होगा। आई होप मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ कि भाई डुअल कलर में इतनी फिनिशिंग से काम हुआ है, काफी एक अच्छा लग रहा है। प्लस अपना गियर वाला पार्ट देख लो, ये भी बहुत बढ़िया लग रहा है, और पिलर ए, अपना पिलर बी और पिलर सी, ये भी भाई पूरा रेडी हुआ है अलॉन्ग विद आर रूफ। तो रूफ भी काफी अच्छी लग रही है अंदर बैठ के, अगर आपको रूफ की लुक देखनी है तो कुछ ऐसी लुक आ रही है अपने स्वेट कपड़े में है ये देख लो, मतलब देखा जाए तो भाई बहुत ही प्रीमियम वाली फील आ रही है, और ऐसा लग नहीं रहा कि अपना ये बेस मॉडल है, क्योंकि इतना अच्छा इसका सीट कवर वगैरह हर चीज इंस्टॉल हो गई है रूफ वाला। देखो पीछे से भी आपको सीट कवर और रूफ वगैरह मैं दिखा देता हूँ, सीट कवर आप देख लो पीछे से, और अपना पिलर सी, अपना पिलर बी और रूफ, ये देखो
बहुत ही प्रीमियम लग रहा है। इंटीरियर के साथ साथ भाई इसके अंदर पूरा अपना सिस्टम भी अपग्रेड हुआ है, तो वो आप लोगों को दिखाता हूँ। बेसिक सिस्टम है, मतलब ज़्यादा कह सकते हैं ज़्यादा हाईफाई नहीं है, अपना नॉर्मल एक डिसेंट सा सिस्टम है जिसके अंदर अपना एंड्रॉइड सीरियो है भाई। ये 9 to 10 इंचज में होता है और पंक ऑडियो ब्रांड का डल है। काफ़ी अच्छा इसका रिस्पॉन्स है भाई मार्केट में, बजट वाइज बहुत अच्छा स्टीरियो है, तो ये भी आप देख लो। और जैसे कि बेस मॉडल है भाई, कुछ स्पीकर्स वगैरह कुछ भी नहीं आते, तो उसके अंदर हमारे कॉम्पोनेंट्स भी इंस्टॉल हुए हैं इन्फिनिटी के, जिनकी प्लेसमेंट अपनी यहाँ पर हुई है और कॉम्पोनेंट्स अपने यहाँ पर हुए हैं। ट्विटर्स की प्लेसमेंट आप देख लो यहाँ पर, बैक में भी आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ। एम्पलीफायर की बात करूँ तो गाइस, जिसके अंदर अपने एवेटार का जो 240 वॉट वाला एम्प आता है वो इंस्टॉल हुआ है। अगर मैं दिखाऊँ तो भाई उसकी प्लेसमेंट यहाँ पर हुई है, तो सीट के नीचे शायद आप लोगों को शो नहीं कर पाऊंगा पूरा, आप ये देख लो। और पीछे से इसका प्लेट की लुक देखनी है तो कुछ ऐसी है। बाकी भाई रूफ बहुत ही अच्छी लग रही है, अपना डिज़ाइन काफ़ी बढ़िया लग रहा है और इंटीरियर बहुत ही अच्छा लग रहा है। अगर स्टीयरिंग माउंटिंग कंट्रोल्स वगैरह दिखाऊं तो भाई वो भी इसके अंदर इंस्टॉल हुए हैं, क्योंकि बेस वेरिएंट है, कुछ भी नहीं आता है, स्टीरियो के साथ कंपैटिबल है। थोड़ा सा आपको वॉल्यूम वगैरह का दिखा देता हूँ, देखो म्यूट वगैरह सब कुछ काम कर रहा है, तो ये काफ़ी एक अच्छी चीज़ है। आप चाहो तो भाई बेस मॉडल या आपका कोई और भी मॉडल जिसके अंदर स्टीयरिंग माउंटिंग कंट्रोल्स नहीं आते तो वो भी आप इंस्टॉल करवा सकते हो, तो ये पूरा देख लो। बाकी भाई स्टीरियो भी काफ़ी बढ़िया है, आपको थोड़ा सा मतलब चला वाला के दिखा देता हूँ मैं। टच वाइज रिस्पॉन्स है, देखो बहुत स्मूथ चल रहा है। पीछे पंक ऑडियो की ब्रांडिंग दिख रही होगी, यहाँ से आपका हॉटस्पॉट वाईफाई, मतलब हर चीज़ भाई बहुत ही अच्छा है। प्लस पर्सनल फेवरेट तो भाई इसके अंदर हमारे सीट कवर ही है। मैट भी देखोगे तो भाई अपने इसके अंदर फुल बॉडी मैटिंग अलॉन्ग विद ग्रास जो अपनी होती है ग्रास, वो इंस्टॉल हुई है, देखो काफ़ी बढ़िया लग रहे हैं। तो भाई ये तो बात हो गई, एक मैंने आइडिया दे दिया। बाकी कंप्लीट डिटेल चाहिए हो तो भाई डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे दूंगा। पहले हमने बहुत सारी भाई गाड़ी रेडी करी हो बेस टू टॉप, उसमें हर एक चीज़ डिटेल में बता रखी कैसे कैसे काम होता है। आज की वीडियो का टॉपिक मेन मोटिव था आप लोगों को हेडलाइट शो करनी, तो साथ में भाई गाड़ी भी रेडी हो रही थी, मैं सोचा आप लोगों के साथ वो भी शेयर कर दूँ। तो एक बार भाई ये भी पूरा लास्ट टाइम आप देख लो, प्लस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भाई लिंक होगा, फटाफट जाके वो भी विजिट कर लेना और अच्छे से हर एक चीज का आइडिया आपको मिल जाएगा। सो गाइस आई होप जितनी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को स्विफ्ट आफ्टर मार्केट लाइट से रिलेटेड प्रोवाइड कर सकता था वो मैंने कर दिया। मनीष भैया के साथ मिलकर भाई कोशिश करी थी, जितनी लाइट स्विफ्ट के लिए मतलब हेडलाइट और बैकलाइट आती है वो सब आपके लिए मैंने शेयर कर दिया। तो मनीष भैया अगर हमें बैकलाइट की स्टार्टिंग रेंज पूछा, मतलब सबसे बेसिक बैकलाइट कितने की आती है? बेसिक बैकलाइट जो विदाउट रनिंग वाला मटेरियल वाला हमने लगाया था वो वाली 8,500 रुपए के, प्लस जो सबसे महंगी है और सबसे अच्छी क्वालिटी वाली है वो 11,500। तो भाई आफ्टर मार्केट लाइट का जो प्राइस है हमेशा फ्लक्चुएट होगा, इट्स बेटर भाई जब भी आप लगवाने आओ भैया को कॉल करके उस टाइम आके रेट पूछो। बाकी मैंने रेट आप लोगों को बता दिया, जो भाई मर्सिडीज वाला था वो 8,500 और सबसे हाई क्वालिटी वो 11,500 के बीच में लाइक करता है। प्लस भैया जो हमने पूरी आफ्टर मार्केट अपने हेडलाइट दिखाई है उसमें जो हमने कस्टमाइज वाला करा है उसके अंदर एक बार बताओ सेटअप हम कैसे कैसे इंस्टॉल करते हैं क्या रहता है? कस्टमाइज वाली जो हेडलैम्प है भैया, प्रोजेक्टर प्लस डीआरएल का खर्चा 15,000 के आसपास था। तो उसमें भैया रोशनी कैसी होती है? रोशनी बढ़िया बिल्कुल आर पार, उसका फोकस सबसे ऊपर होगा, 1 साल की वारंटी भी है, तो रोशनी में उसमें कोई कमी नहीं। तो इसके अंदर एचआईडी होती है साथ में, प्लस अगर किसी को और इसमें अपग्रेडेशन करें जैसे पैनामेरिक श्राउड्स लगवाने हैं वो सब बहुत सब लग जाएगा उसके लिए, कोई ज्यादा महंगे नहीं है। अगर पैनामेरिक श्राउड लगाना हो ज्यादा आपका 1200-1300। तो भाई अगर आप लोगों को कस्टमाइज करवानी हो अपने हिसाब से और अगर आप लोगों को एक डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो भाई कमेंट में मुझे जरूर बताना, मनीष भाई के साथ मिलके आप लोगों का वो भी शेयर करेंगे, उसमें भी पैनोरामिक शॉट्स वगैरह सब कुछ दिखाएंगे। तो भाई हर एक चीज कोशिश करेंगे। प्लस भैया जो हमने आफ्टर मार्केट हेडलैम्प ताइवान वाला है उसकी भी एक प्राइसिंग बता दो क्या रहती है? 22,000-22,500 के आसपास। जो न्यू डिजाइन आया वो 500 रुपए महंगा होगा थोड़ा सा अभी, क्योंकि अभी ये नया नया बिल्कुल ब्रांड न्यू है। तो भाई ये मतलब ये पूरे आफ्टर मार्केट हेडलाइट्स है तो ये भी फ्लक्चुएट होता रहता है, 22,000-22,500 के बीच में लाई करता रहता है। भैया ने आपको बता दिया, हो सकता है आपको भाई 22 का मिले, हो सकता है 23 का मिले, बिल्कुल ठीक कह रहे हो भैया। तो 500 के आसपास, ज्यादा 500 या 1,000, बस इससे ज्यादा फर्क नहीं आएगा। तो भाई वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया। प्लस ये जो हमने इंटीरियर आज रेडी करा था तो उसका कपड़ा कौन सा था? नापा लेदर था। और जो रूफ हमने करी थी पूरा इंटीरियर चाहिए या आपको पूरी आउटर रेडी करवानी है स्विफ्ट की तो भैया को कॉन्टेक्ट कर सकते हो। मनीष भैया का नाम है, माइका रेसिस भैया की शॉप है, मार्केट में आना भाई किसी से पूछ रहा बहुत फेमस है। तो भैया नंबर बता दो अपना कैसे क्या है? मेरी दुकान का नाम माही कार एक्सेसरीज है, मेरा शॉप का नंबर है 66 नंबर गली नाई वाला माही कार एक्सेसरीज, और मोबाइल नंबर है 9873182673।
तो भाई आपको स्क्रीन पर फ्लैश होते हुए दिख रहा होगा। कोई भी भाई क्वेरी हो हेडलाइट्स, मतलब आफ्टर मार्केट सारी हेडलाइट्स, आफ्टर मार्केट सारी बैकलाइट के पास अवेलेबल होती है किसी भी गाड़ी। हाँ जरूरी है भाई, स्विफ्ट की किसी भी गाड़ी की आपको चाहिए जो भी आफ्टर मार्केट डिजाइन आता है सब भैया के पास अवेलेबल है। तो आई होप भाई जितनी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकता था मैंने आप लोगों के साथ कर दिया। वीडियो किसी भी पॉइंट पर अच्छी लगे प्लीज लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। लगता है भाई कुछ डिफरेंट शो किया था, पूरी हेडलाइट्स एक साथ शो करी थी। आई गेस भाई किसी ने पहले एक साथ शो नहीं करी है, हमने भैया के साथ मिलकर पूरी हेडलाइट और टेललाइट्स आप लोगों को स्विफ्ट के लिए शोकेस करी है। अच्छी लगी तो भाई कमेंट जरूर करना और शेयर जरूर करना। तो कर रहे हैं इस वीडियो को यही है। थैंक यू।